वेलकम टू आरवी एनालिसिस स्टार। आपके पाम में कई जगह पे आपको मिल सकती है देखने में, जिसकी 6 और 6 से ज़्यादा शाखाओं की स्थिति होगी। जब भी ऐसी सिचुएशन बने और सब एक सेंटर में आके मिल रही हो तो इसे आप स्टार के रूप में जान सकते हैं। आपकी हथेली में स्टार का कहीं भी होना उस जगह के यानी कि उस पर्वत क्षेत्र या उस रेखा के जो शुभ प्रभाव होते हैं उसे कम करके उसके दुर्गुणों को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन गनीमत है कि एक छोटे से समय तक ही इसका प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे ये आपके चंद्र के क्षेत्र में और राहु के क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कुछ ऐसी हथेली भी है जिसमें सूर्य के क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसमें भी आपको गौर कर लेना पड़ेगा कि आपके दोनों हथेली में सेम सिचुएशन है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो यहाँ का इसका प्रभाव भी उसी तरीके से कम होता चला जाएगा। अगर दोनों हथेली में ऐसी चीज़ें बनी हैं जो कि बिरले ही होती है कि किसी व्यक्ति की दोनों हथेली में स्टार आए, क्योंकि ये टेम्पररी होती है, ये परमानेंट कभी नहीं होती, तो उसी के अनुरूप इसके प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर इसका प्रभाव क्या है, जिस भी पर्वत रहेगा उस पर्वत के जो अच्छे गुण हैं और जो चलायमान है जो कि आपकी वृद्धि के लिए सहायक है उसे स्लो कर देगा, आपके काम को स्लो करेगा, आपकी उलझनों को बढ़ा देगा। मान लो जैसे आपके चंद्र के क्षेत्र पर है तो क्या होगा, आपके माता के स्वास्थ्य संबंधी, माता के साथ तनाव की स्थिति, स्त्रियों के साथ आपके तनाव की स्थिति को बढ़ा देगा, विभिन्न प्रकार के आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाएगा, मन को विचलित करके रखेगा, अवसाद की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। सब कुछ ठीक ही है फिर भी आपको चिंता में घेर के रखेगा, विभिन्न प्रकार से लोगों से डर की स्थिति को पैदा करेगा। इसके अलावा जल की हानि आपके जीवन में और स्वास्थ्य संबंधी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मान लो कि बुध के इस क्षेत्र में है तो क्या होगा, सही तरीके से चीज़ों पर निर्णय पाने की जो आपकी क्षमता है, कर पाने की क्षमता है, उसे एक कहीं ना कहीं से कमज़ोर करने का कार्य करेगा और उस पर ही अपना असर डालेगा। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मुश्किलों को बढ़ाएगा, योजनाओं को सही तरीके से आप लागू नहीं कर पाएंगे, एक संदेह की स्थिति आपके जीवन में बनती चली जाएगी। सूर्य के इस क्षेत्र में रहेगा तो आपके आजीविका की चीज़ों में, आपके मान सम्मान में कुछ नुकसान की स्थिति पैदा करेगा, अपमान की स्थिति को बढ़ा देने का कार्य करेगा। इस कारण क्या होगा कि जीवन में कहीं ना कहीं आप स्लो हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। चीज़ें इतनी, जो दो मिनट का होने वाला काम है ना, वो मैगी भी 10 मिनट में बनेगी, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। कभी पता चले तो गैस खत्म हो गई, कभी पता चले तो जलाने के लिए माचिस नहीं मिल रही, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें, एक छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो भी बड़े बड़े समय में होनी शुरू हो जाएगी, तो इन चीजों को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर राहु के इस क्षेत्र में इसका प्रभाव बन जाए तो राहु का संबंध किससे है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि छाया ग्रह है तो किसी बड़े ग्रह का सहयोग प्राप्त करेगा और उनको भी शुरू करेगा और खुद तो आपके लिए मुश्किलों को खड़ा करेगा ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक हानि की भी संभावना आपके लिए बढ़ जाती है। तो जब भी जिस पर्वत क्षेत्र पर इसका प्रभाव बने उस पर्वत क्षेत्र के बल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इसका प्रभाव कम से कम आपके जीवन की तरफ आए, क्योंकि ये आए हैं ना तो प्रभाव तो अपना छोड़ के जाएंगे, यानी कि हल्दी लगी है तो रंग तो अपना छोड़ेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि कितना छोड़ेगा। प्रिकॉशन के रूप में आपने कितना पहले से तेल लगा के रखा है या कुछ ऐसी चीज़ें लगा के रखी है ताकि उसका रंग न चढ़े, तो उसके अनुसार अगर आप तैयारी करके रखते हैं तो इसके जो बुरे परिणाम है उससे आप बच पाएंगे और जीवन में जो गति आपकी चल रही है उसी तरीके से आप जीवन को बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ा पाने में कामयाब होंगे। तो मुख्य तौर पर यही इसका प्रभाव है, चाहे कहीं भी रहे, ये कहीं भी आपकी हथेली में शुभ परिणाम नहीं देती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।